हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ये जस्ट टॉक विद अंकुश। और आज के वीडियो में हम जानेंगे जेएसए के बारे में, जेएचए के बारे में, दोनों के रिलेशनशिप के बारे में और दोनों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्ट इट। सो व्हाट इज जेएसए? जेएसए मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस। चलिए इसे कुछ एग्जांपल द्वारा, डेफिनेशंस द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अ जेएसए इज अ टेक्निक ऑफ स्क्रीनिंग जॉब टास्क एज अ वे टू आइडेंटिफाई हजार्ड्स बिफोर दे ऑकर। या सेकंड डेफिनेशन, इट फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर, द टास्क, द टूल्स एंड द वर्क एनवायरमेंट। एंड another one is, after identifying hazard we can take step to eliminate or reduce the hazard to an acceptable level। iska matlab jsa ek techniques hai jiski madad se hum hazard ko identify karke uske hone wale khatron ko, uske potential of harms ko pehle hi identify karke hamare paas kya kya control measures available hai, क्या हम उसमें कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें पहले ही लग जाती है। इसका मतलब जेएसए जो है वो फोकस करता है वर्कर्स पे, उसके रिलेशनशिप पे, उस पर्टिकुलर टास्क पे, पर्टिकुलर टास्क में इस्तेमाल होने वाले टूल्स पे और उस पर्टिकुलर वर्क के एनवायरनमेंट पे। और एक बार अगर हम हजार्ड आइडेंटिफाइड कर लेते हैं तो हम कुछ जॉब स्टेप्स की मदद से उसे एलिमिनेट करने के लिए, उससे रिड्यूस करने के लिए या उसे एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने के लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो जेएसए और जेएचए दोनों एक ही है। जेएसए मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड जेएचए मतलब जॉब हजार्ड एनालिसिस। दोनों के रिलेशन जो है वो सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इंडिया में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जेएसए का ही इस्तेमाल होता है और जेएसए फॉर्मेट ही हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी सेफ्टी प्रोफेशनल के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें हीरा का इस्तेमाल कब करना है और जेएसए का इस्तेमाल कब किया जाए। तो गाइस, हीरा जो है वो रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जबकि जेएसए सिर्फ नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ के काम में आता है। मतलब जब कोई एक्टिविटीज़ अनप्लान्ड हो, वो किसी प्लान का हिस्सा ना हो, आपने उस हजार्ड को पहले से आइडेंटिफाइड करके ना रखा हो, उस केस में ही आप जेएसए का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब जेएसए का इस्तेमाल करना है और कब हीरा का इस्तेमाल करना है? चलिए कुछ एग्जांपल्स द्वारा हीरा को और जेएसए को समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन फॉर अ मोमेंट दैट कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हिस्सा हो, जो कि आपके वॉक थ्रू के दौरान, आपके वॉक अराउंड के दौरान आप सभी हजार्ड्स को, सभी प्रोसेस को आइडेंटिफाइड करते हो और उस प्रोसेस में क्या क्या हजार्ड्स इन्वॉल्व है उस हजार्ड्स को आप नोट डाउन करते हो, और जिसमें रूटीन मेंटेनेंस, नॉन रूटीन एक्टिविटीज़, सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ को आप आइडेंटिफाइड करके उसका रिस्क असेसमेंट पहले ही प्रिपेयर करके रख देते हो। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपके रूटीन जॉब का हिस्सा नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को भी आप आइडेंटिफाइड करके रखते हो, जो कि वीक में 2 times, 4 times या मंथ में 4 times होती है। मान के चलिए कि आपके किसी मशीन्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना है, जो कि रूटीन नहीं है, बट वो प्लान्ड है, और ऐसा रूटीन मेंटेनेंस वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, रेगुलर बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन में होते रहता है। तो आप उसको पहले ही आइडेंटिफाइड करके उसके बारे में रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर करके उसके हजार्ड्स को आइडेंटिफाइड कर रखते हो।
जबकि JSA जो है वो नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अनप्लान्ड इवेंट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल द्वारा JSA को समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि आप एक प्रोसेस का हिस्सा हो, वहाँ पे प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्टिविटीज़, रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ आपने पहले ही आइडेंटिफाइड करके रख दी, बट अनफॉर्चुनेटली आपको किसी मशीनरी को, किसी क्रेन को बाहर से बुलाने की नौबत आ गई। इस केस में ये जो इवेंट था जिस समय आपने किसी क्रेन को ऑथोराइज्ड किया आपके वर्क एरिया में काम करने के लिए, वो अनप्लान्ड एक्टिविटी हो गई। सो इस केस में इस तरीके की एक्टिविटी ये अनप्लान्ड थी, ये आपके प्रोसेस का, आपके रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं थी, इस वजह से आपको इस एक्टिविटीज़ का JSA प्रिपेयर करना अनिवार्य हो जाता है। कुछ केसेस में JSA की जगह पर मेथड स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई अनप्लान्ड इवेंट होता है, अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ होती है जो कि रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं है और नई इंट्रोड्यूस्ड हुई है सिस्टम में, ऑपरेशन में या प्रोसेस में, तो आपको JSA प्रिपेयर करना या मेथड स्टेटमेंट प्रिपेयर करना उस एक्टिविटीज़ का अनिवार्य हो जाता है। इसी के चलते JSA का उपयोग जो है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि JSA को प्रिपेयर कैसे किया जाता है और उसके वर्कशीट को फिल कैसे किया जाता है। तो आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने JSA की वर्कशीट इंसर्ट की है, जिसकी मदद से आपको समझने के लिए आसानी होगी कि JSA की वर्कशीट को फिल कैसे किया जाता है और इसको कैसे काम में लाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि वर्कशीट को फिल कैसे करते हैं, जो कि नॉन रूटीन टास्क है, नॉन रूटीन जॉब है। बिकॉज ए नॉन रूटीन टास्क या जॉब है, इसके लिए सबसे पहले हमको लिखना होता है नेम ऑफ ऑपरेशन। तो किस तरीके का ऑपरेशन, किस तरीके का टास्क हम करने जा रहे हैं। सेकंड रो में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है SOP/SWP। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और सेफ वर्क प्रोसीजर। सेकंड रो में अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड बाय। कंप्लीटेड बाय मतलब कौन इस टास्क को कंप्लीट करने वाला है, पूरा करने वाला है। देन बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है या कौन सी लोकेशन है या एरिया है, आप वहाँ पर वो मेंशन कर सकते हो। देन एग्जीक्यूटर डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट ए वर्क एग्जीक्यूट कर रहा है। देन सेक्शन, उस पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में हमें जानकारी देना है। देन वहाँ से हमारी JSA की प्रोसेस, वर्कशीट फिल करने की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। सो पहले कॉलम में अगर आप ध्यान दोगे तो पहले कॉलम में लिखा हुआ है स्टेप्स, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है पोटेंशियल ऑफ हजार्ड्स, देन थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है उसके कंट्रोल्स, एंड फोर्थ कॉलम इज़ फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो कि एग्जीक्यूटर है वो। देन नीचे की रो में अगर आप देखोगे तो प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय एंड रिव्यूड बाय, जिसमें प्रिपेयर्ड बाय जो है वो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, अप्रूव्ड बाय जो है एग्जीक्यूटर डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है जो कि अप्रूव्ड बाय में साइन करेगा, एंड रिव्यूड बाय जो है वो EHS डिपार्टमेंट से रिव्यूड किया जाता है। इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है, जब भी आप JSA करें या जब भी आप प्रोसेस का हीरा करें, हीरा या JSA जो है वो जॉइंटली किया जाता है। मतलब जो एग्जीक्यूटर है और जो वर्क एरिया रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो, और EHS डिपार्टमेंट का कोई जानकार व्यक्ति, इनकी निगरानी में उस पर्टिकुलर जॉब्स का JSA किया जाना चाहिए और किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल द्वारा इस वर्कशीट को भरने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले नेम ऑफ ऑपरेशन। नेम ऑफ ऑपरेशन में हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि कुछ इक्विपमेंट्स का हमें इरेक्शन करना है टॉप फ्लोर पे, तो हमने लिख दिया कि क्रेन का इरेक्शन का काम चल रहा है। देन क्रेन इरेक्शन में या इक्विपमेंट इरेक्शंस में हमें कौन कौन सी स्टेप्स है उस इरेक्शन को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी जॉब स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होगी, तो उस पर्टिकुलर टास्क के जॉब स्टेप जो है इन डिटेल्स में हमें लिख लेना है। मतलब वो क्रेन कहाँ से आने वाली है, कौन से बेल्ट उसमें इस्तेमाल होने वाले हैं, क्या उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, कितना डिग्री का एंगल है, कितना रेडियस है, लोड चार्ट लगा हुआ है क्या, ऑपरेटर कैसा है, क्या वो वैलिड लाइसेंस होल्ड करता है, कैसे मशीन्स आने वाली है, कितना टन हम इरेक्शन करने वाले हैं, क्या वो कैपेबल है नहीं है, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसमें एग्जीक्यूट होने वाली है, क्या उसमें से हज़ार्ड्स निकल के आएंगे, तो उन सभी स्टेप्स को हमें आइडेंटिफाइड करके उसके पोटेंशियल ऑफ हजार्ड्स को लिख लेना है, जो कि सेकंड कॉलम में आप पोटेंशियल ऑफ हजार्ड्स में कवर कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर स्टेप्स के दौरान क्या हजार्ड्स निकल के आते हैं वो आपको पोटेंशियल ऑफ हजार्ड्स के कॉलम में लिखना है। देन थर्ड कॉलम की अगर बात की जाए तो उस काम को एग्जीक्यूट करते हुए जो हमने हजार्ड आइडेंटिफाइड किए हुए हैं उन हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल्स में लिख लेना है। मतलब किस तरीके से हम उस हजार्ड्स को कंट्रोल करने वाले हैं, मिनिमाइज करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल सेक्शंस में हमें लिख लेना है। देन हमें जाना है फोर्थ कॉलम में जो कि है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर जॉब स्टेप्स को एग्जीक्यूट करते वक्त कौन पर्सन उसका इंचार्ज रहेगा, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसका नाम हमें उस कॉलम्स में लिख लेना है, ताकि इनकेस अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस पर्सन को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है कि उस टास्क को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए और वो पर्सन उस पर्टिकुलर टास्क के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि लोग वर्कशीट तो बना लेते हैं, एग्जीक्यूटर डिपार्टमेंट JSA, मेथड स्टेटमेंट, सभी तरीके की चीज़ें ऑन पेपर तो होती है, बट बारी जब एग्जीक्यूशंस की आती है तो वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। इसका असल रीज़न अगर देखा जाए तो जो एम्प्लॉयज़, जो टूल्स, जिस वर्क एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं उनके बारे में जो असल एग्जीक्यूटर होते हैं, जो उस जॉब स्टेप को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनको उस पर्टिकुलर जॉब्स के खतरों के बारे में, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, और जानकारी के अभाव में बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो JSA या मेथड स्टेटमेंट होने के बावजूद भी हादसों में तब्दील हो जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो JSA को या हीरा को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो ये है कि जब कभी आपका JSA, हीरा या मेथड स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है तो आपकी कंट्रोल स्ट्रेटेजी जो है वो एग्जीक्यूटर डिपार्टमेंट से आपको शेयर करना है, और जब भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ चलती है तो JSA का फॉर्मेट उस लोकेशन पर अवेलेबल होना चाहिए, और जॉब शुरू होने से पहले TBT में, पेप टॉक्स में आपको उन हजार्ड्स के बारे में, उस जॉब स्टेप्स के बारे में लोगों को गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है, और उनको उन पर्टिकुलर हजार्ड्स के बारे में, उसके कंट्रोल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए कि अगर कुछ काम करते समय मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो अपने वर्क एनवायरनमेंट को और अपने आप को उस हादसे से कैसे रोक सके। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।